Hey guys, welcome back to our channel, which is Amit the Shining Star. और आज मैं हूँ अपनी अकेडमी में और अभी हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं अभी. मैं इतनी जल्दी उठ के आता हूँ गाइज, मतलब कि मैं सुबह 7 बजे से उठा पड़ा हूँ और अभी 9 बज चुके हैं और फटाफट से मुझे बैच लेना होता है. ये छोटी सी बच्ची यहाँ पे आ चुकी है, इसका नाम टीहू है और ये भी सुबह 9 बजे उठ के आ जाती है. यार मैं तो 7 बजे उठ के पागल हो गया हूँ, मतलब कि इतनी जल्दी तो मेरे से उठा ही नहीं जाता, बट एनीवेज उठना पड़ता है अगर क्लास है तो. एंड यहाँ पे भी ये आई है, अभी और भी स्टूडेंट्स बाकी हैं. यहाँ पे ही हमारे बेस्ट स्टूडेंट हैं जो कि है प्रेम. ये सिर्फ 10 साल का है और लेकिन इसका शरीर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, बट इट्स ओके. यहाँ आ चुके हमारे सबसे लेट क्लास, इनको 9 बजे का टाइम दिया था, ये 11 बजे आए हैं यहाँ पे. एज यू कैन सी, देख लीजिए एक बार अपना मुखौटा उतार दीजिए, ध्यान से देख लीजिए, हर जगह लेट जाते हैं. हमने काफ़ी सारा वार्म अप कर लिया है और एज यू कैन सी देख सकते हैं यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं पसीनों से लथपथ. सबसे आपको और प्रेम को तो हाई गर्मी हो गया पानी की नीड है और हमारा पानी खत्म हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं पानी लेने के लिए. एंड अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा. सो गाइस, काफी ज्यादा वाली धूप है आज तो, ये भगवान, मेरा तो मुंह काला हो जाएगा. आप देख सकते हैं एकदम कड़ाके की, तो मेरे साथ तो ग्रिल भी नहीं पकड़ा जाता, इतनी धूप है भाई. बट एनीवेज, चाबी स्कूटी से जाएंगे, पैदल से जाएंगे प्रेम. हम जा रहे हैं और बैठो प्रेम, चलो. Oh shit guys, बहुत ज़्यादा गर्म है यहाँ पे. But anyways, कोई बात नहीं, फटाफट से पानी भरवाते हैं और यार बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कर ले लेना. पानी के भी पैसे लोगे भैया, जल सेवा करनी चाहिए ना. मैंने पानी भरवा लिया है, एज यू कैन सी प्रेम ने दोबारा से फैला दिया, जितना भराया था उतना ही फैला दिया है नीचे देख सकते हैं. बट एनीवेज भैया, अभी हम चल, भैया 10 की बर्फ नहीं आती, 10 की नहीं लेके जाते भैया, ये क्या तो 20 की तो आ जाएगी भैया. आप दो 20 की, हमें नहीं पता, आप दो अंकल, अंकल आप दो, ये अंकल बहुत कम देते हैं. ये ना हम पहले लेके जाते हैं, ये देखना कितनी सुंदर है, देखना भैया, हमें नहीं पता भैया, हमें नहीं पता. अरे भैया ये भैया ये क्या है. एनीवेज भैया ने तो खाली बचा दी. गाइस एक्चुअली मैंने अभी वीडियो शूट किया था यार, मैं दिखाना भूल गया, रियली सॉरी. सो दिस इज माय ड्रेस, मतलब कि इस ड्रेस में नहीं बनाया मैंने, एक्चुअली प्रेम को काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था तो दैट्स व्हाई मैंने बोला कि चल तू ऐसे ही चले, मैंने नीचे से जीन्स वगैरह पहन लिया. बेसिकली दिस इज अ वन पीस ड्रेस. तो अभी हम जा रहे हैं गाइस वंश के यहाँ पे और वंश के यहाँ पे देखते हैं क्या क्या होता है, वो किस हालत में है, किस अवस्था में है, ये सब आपको दिखाएंगे. क्या पता कैसे पड़ा होगा वो, आई डोंट नो, बट लेट्स गो. ये Guys, यार ये स्कूटी पे बैठना इट्स अ वेरी बिग टास्क फॉर मी एंड प्रेम ऑल्सो, बट एनी वेज अब क्या कर सकते हैं यार, हाथ वाथ सब काले वाले भुन रहे हैं. एक तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, मतलब कि बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है, बट क्या करूँ. हाँ ऊपर से दूर, अब तो वंश के घर पे ही कुछ खाना पड़ेगा. तो या अभी देख सकते हैं आप वेदर, इतनी कड़ाके की धूप पड़ी है, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं है, बट हमें देख लो, हम तो पागल है ना, घूमते हैं ऐसे घर पर. बट एनी वेज लेट्स गो एंड उसको नंगे हाथों पकड़ता है, रंगे हाथों, सॉरी रंगे हाथ, रंगे हाथों पकड़ता है. तो यहाँ पे वैष्णवी है और ये कुछ ऐसे रहती है घर पे, यहाँ पे वंश है, कुछ हालत क्या है. हाँ ये होली के कपड़े पहन के बैठा हुआ है यहाँ पे, मुझे क्या. सो गाइज यहाँ पे एक्चुअली प्रेम खुद ही इतना वो कर रहा था कि पराठे बनाने पराठे बनाने, तो प्रेम खुद ही पराठे बनाने लगा है एंड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रेम को पराठे बनाने आते हैं एंड इट्स वेरी डिलीशियस. प्रेम बहुत अच्छे पराठे बनाता है. प्रेम कितने बना रहे हैं, कितने बन चुके हैं, अच्छे बन गए, सच में बन गए, एनीवेज चलो अच्छी बात है. तो गाइज अब बस प्रेम पराठे बनाते तो हम खुश हैं, पसीनों से लथपथ. यार आप अपने घर में ही बनाते हो प्रेम, बनाते हो घर में, चलो आपकी दादी से पूछूंगा. यहाँ पे हम कर
भैया मैं तो ना खा पाऊ, मैं तो ना खा पाऊ भैया। ओ भैया अभी हम जा रहे हैं जूस पीने के लिए और अभी भी धूप का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो चुका है, सो दैट्स व्हाई इसलिए अभी भी मैंने चुन्नी ली हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुन्नी लेके घूमते रहता हूँ, सो बट इट्स ओके। अभी चलते हैं और देखते हैं हम कौन से जूस कॉर्नर पे जाएंगे। फाइनली हम आ चुके हैं जूस कॉर्नर पे, गाइस हम आ चुके हैं गुलाब जामुन खाने, मतलब जूस पीने। यहाँ पे हमने तीन जगह जूस रिजेक्ट किया, अब हम आए हैं बल्लमगढ़ में, कहीं पे खुला नहीं था, भीड़ चाह रही थी, दैट्स व्हाई। सो अभी मैंने लिया है अपने लिए स्ट्रॉबेरी, हेयर इज बनाना एंड हेयर इज मैंगो। हाउ इज इट, इट्स गुड और बैड? सो गाइस यहाँ पे हमारा पेट्रोल खत्म हो चुका है एंड हम इधर पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, फिर भी हमारे स्कूटी में पेट्रोल नहीं डाला जा रहा। बोल क्यों नहीं डाला जा रहा? क्योंकि लाइट नहीं आ रही। हाँ गाइस लाइट नहीं आ रही, पेट्रोल आ रहा होगा भैया, पेट्रोल से। गाइस अभी मैं नहा के आ चुका था एंड मुझे याद नहीं रहा व्लॉग बनाना, सो अभी एक क्लास चली गई एंड अभी आए हैं ये दो महारथी। थोड़ा बहुत डांस करना आता है इनको, बट एनी वेज इट्स गुड। तो अभी पिरामिड से की कोरियो कंप्लीट कराते हैं एंड आफ्टर दैट मैच अभी। तो हे गाइस अभी मेरे को बताने लगा मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड आई डोंट नो बट पता नहीं घर पे जाके कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। सो अभी के लिए मैं जाता हूँ एंड कल से एक और नया ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। सो बाय बाय एंड गुड नाइट एंड टेक केयर एंड डू लाइक कमेंट एंड शेयर गाइस।